पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और मुरादाबाद जनपद के प्रभारी जितिन प्रसाद आज मुरादाबाद पहुंचे और कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। जितिन प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुरादाबाद मेयर की सीट 17 नगर निगम में सबसे ज्यादा बहुमत से जीत हासिल करेगी और बागी हुए भाजपाइयों पर बोलते हुए कहा कि भाजपा का संगठन बहुत मजबूत है और सभी एक साथ मिलकर चुनाव कार्य में जुटे हुए हैं। तो वहीं जितिन प्रसाद ने मंच पर बोलते हुए कहा कि आपसी मतभेद को भुलाकर चुनाव में जुड़ना है और भाजपा ही वो संगठन है जिसमें किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है, वरना अन्य संगठन में आए दिन झगड़े और तोड़फोड़ रहती है। इस दौरान मंच पर बोलते हुए जितिन प्रसाद ने कहा कि चुनाव को रणनीति के तहत जीता जाएगा। हालांकि इस दौरान मंच पर बोलते हुए अन्य नेताओं के दिल की पीड़ा भी उभरती हुई नजर आई और इशारों में अपनी बात भी कह गए और निशाना भी लगा दिया। टिकट बंटवारे के बाद मंच मिला तो सभी ने अपनी बात कह डाली। मैं पार्टी के खिलाफ चलाया था तो आज मैं यहाँ नहीं होता जब मैं खड़ा। पार्टी ने मेरी चिंता करी, मैंने ईमानदारी के साथ काम किया, किसी के बहकावे में नहीं आया। तो पार्टी ने मेरी चिंता करी, भारतीय जनता पार्टी ने मेरी चिंता करी, संगठन में मेरे को जिला अध्यक्ष बनाया और उसके बाद मेरे को विधायक बनाया। जिस पार्टी ने सभासद का टिकट नहीं दिया उसने मेरे को विधायक बना के यहाँ पे खड़ा किया। मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि उम्मीदें होती हैं, मांगना भी चाहिए, मांगने का अधिकार सबका है, लेकिन हमारी विचारधारा यह कमल का फूल है जो हमारे दिल के पास है, यह कमल का फूल, हमारा प्रत्याशी यह कमल का फूल है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। लड़ाई टिकट से पहले की हो सकती है लेकिन जब जिसको सिंबल मिल जाए वही सब कुछ हमारा हो जाता है। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे भाई बहन भटक रहे हैं उनको भी थोड़ी समझाने की आवश्यकता है कि बहकावे में ना आए। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, चाहे वो मेयर में हो चाहे वो वार्ड में हो, हमें टूटना नहीं है। हम लोग टूटेंगे तो फिर हमारा नुकसान होगा। मोदी योगी के राज में हम लोग आगे बढ़े और ये चुनाव खाली मेयर का चुनाव नहीं है, ये लोकसभा की तरफ देख रहा है ये चुनाव। इसका जो भी परिणाम होगा वो लोकसभा पर रहेगा। कि जिस अपेक्षा के साथ उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है उस भरोसे पर खरा उतरूंगा। महानगर को विकास के पथ पर लेके गए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के अनुसार योगी जी की और माननीय मोदी जी के जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया है और आगे भी ये ट्रिपल इंजन की सरकार मुरादाबाद को प्रदेश में नए आयाम तक लेके जाएगी। भारतवर्ष में मुरादाबाद सर्वे श्रेष्ठ 100 स्मार्ट सिटी में चुना गया है। एक दिन ये मुरादाबाद दुनिया के अंदर अपनी पीतल की चमक को स्थापित करते हुए बिखेरते हुए अपने आप को मुरादाबाद का नाम रोशन करेगा। कुल आप देख सकते हैं हमारे प्रत्याशियों का चयन शीर्ष नेतृत्व ने कर दिया है और पूरी दमदारी से भारतीय जनता पार्टी चुनाव छोटा हो या बड़ा पूरी मुस्तैदी से लड़ा जाएगा। आज कार्यकर्ताओं से भेंट हुई है, भारी उत्साह है और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां जितने 17 निगम हैं उन्हें मुरादाबाद में मुझे आज दायित्व दिया गया है। सबसे ज़्यादा विशाल मार्जिन से विजय होगी और एक तरफा चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी की विजय श्री। धन्यवाद। चलो सब आ गए, ये पार्टी अनुशासित है, एक बार निर्णय हो जाता है तो सभी कार्यकर्ता से ले नेता जो नेतृत्व का निर्णय उसका सम्मान करता है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।